सो व्हाट्सअप मेरे प्यारे दोस्तों, सो स्वागत है आज के वीडियो में आप लोग का। सो मेरे जन आज के वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से स्नैपशीट से फोटो एडिटिंग। ओके मेरे जन, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है काफ़ी सारे एप्लीकेशंस। ओके मेरे जन, लेकिन आज के वीडियो में आप लोग का जो भैया ने सिखाने वाला है वो भी केवल सिर्फ स्नैपचैट एप्लीकेशन की मदद से, वो भी एकदम 100% गारंटी के साथ आज के वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, वो भी एकदम जो है बारीकी तरीके से वो भी मैं समझाने वाला हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ये फोटो आप लोग देख चुके हो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, कितना ज़्यादा बवाल दिख रहा है देखने में। ओके तो सिंपल इस फोटो को एडिट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग को क्या करना होगा, अपने स्नैपशॉट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लेके चले जाना होगा। एंड आप लोग को नीचे के साइड में दिख रहा होगा टूल का आइकन, तो सिंपली मैं टूल पे क्लिक करके यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं रोटेट पे चले जाता हूँ यहाँ से। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंपली मैं ऐसे रोटेट पे चले जाके इसे जो है मैं रोटेट कर लेता हूँ। अगेन आप लोग को टूल पे चले जाना होगा एंड यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा एक्सपैंड क्रॉक। ओके तो क्रॉप पे चले जाता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग को ऑटोमेटिक जो है डिन आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। ओके देन आफ्टर आप लोग क्या करना है, इसे जो आप लोग को नीचे रख देना है, देन आफ्टर आप लोग को राइट कर लेना। ओके प्यारे दोस्तों, देन आफ्टर आप लोग क्या करना है, अगेन आप लोग को नीचे के साइड में दिख रहा होगा टूल, तो सिंपली मैं टूल पे चले जाता हूँ एंड यहाँ से आप लोग को कर्व पे चले जाता हूँ। तो एकदम मैं बारीकी तरीके से समझा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ पर एक दिख रहा होगा कलर का आइकॉन, तो यहाँ से मैं ब्लू ले लेता हूँ एंड नीचे का पकड़ के कुछ इस टाइप से आप लोग को हल्का कर देना है एंड इसी पर अगेन टैप करके ग्रीन पर आप लोग को चले जाना होगा एंड कुछ इस टाइप से हल्का सा आप लोग को करके जो आप लोग अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन आप लोग को टूल पर चले जाना होगा, नीचे के साइड में आप लोग को डबल एक्सपोजर दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ डबल एक्सपोजर पर जाके अपना जो ओरिजिनल फोटो मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ ऐड कर ले रहा हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो आप लोग भी यहाँ से फोटो ऐड करने का जो है आप लोग क्या करना, अपने हिसाब से जो एडजस्टमेंट कर लेना। ओके प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं इस टाइप से अपना फोटो एडजस्टमेंट कर ले रहा हूँ एंड ये ड्रॉप वाले आइकॉन पर जाके इसकी ऑपेसिटी 100 कर लेता हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन आप लोग क्या करना है, यहाँ से शेयर वाला सॉरी मेरी जान शेयर पे ना आप लोग को ये जो आप लोग को लेयर्स का आइकॉन दिख रहा है, तो सिंपल इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ से व्यू एडिट्स पर चले जाना होगा। ओके व्यू एडिट्स पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना होगा, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से इन्वर्ट कर देना है एंड अपने हल्के हाथों से आप लोग को क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना जरूर, तभी आप लोग स्नैपशीट की मदद से जो है सिर्फ फोटो एडिटिंग करना सीख पाओगे। जैसे कि इस टाइप से आप लोग को क्या करना है, अपने आराम आराम से अपने बैकग्राउंड को जो है इरेज कर लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जिस टाइप से आप लोग का भाई कर रहा है उसी टाइप से आप लोग को उतना सा प्रोसेसिंग आप लोग को करते रहना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जितना मैं इजी इजी स्टेप से बताते रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, उतना इजी स्टेप में तो आज तक आप लोग को यूट्यूब के ऊपर भी किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आराम आराम से मैं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। सो इतना आराम से आप लोग को क्या करना है, अपने फोटो को एडिट करते रहना है। ओके सो देख सकते हो हमारा आधा पार्ट क्या है, मैं ऑलरेडी जो है कटआउट कर रहा हूँ। ओके सो इतना सा काम का आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को जो है इरेज कर देना एंड इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड इजीली जो है हमारा बैकग्राउंड भी क्रिएट हो जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो देख सकते हो यहाँ पर बात ही बात में मैंने कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है मैं बैकग्राउंड हद से ज़्यादा यहाँ पर मैं कटआउट कर चुका हूँ। ओके सो इतना सा आप लोग को काम करते रहना एंड वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना एंड कमेंट भी जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेज देना। ओके प्यारे दोस्तों, सो इतना सा काम आप लोग को करते रहना है। जिस टाइप से मैंने यहाँ पर जो है हल्का सा जो है मैं बैकग्राउंड हटा चुका हूँ। ओके इतना सा काम आप एक साइड का जो है मैं देख सकते हो आप लोग बैकग्राउंड हटा चुका हूँ, तो अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ अपने गर्दन के पास का फटाफट यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। सो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, अगर मैं इसी तरह बैकग्राउंड हटा के दिखाऊंगा तो वीडियो जो है लंबा हो जाए, तो मैं ऐसे फटाफट क्या करता हूँ बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से मैंने जो अपना बैकग्राउंड जो है कटआउट कर चुका हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा मैं दूसरा बैकग्राउंड ऐड कर चुका हूँ, तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मैं अगेन दिखा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका एक्सपोजर है आप लोग को 100 करके दिखा देना चाहता हूँ। ओके मैं कोई भी आप लोगों को फ्रॉड नहीं सिखाऊंगा। ओके देन आफ्टर आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना है, अगेन आप लोगों को टूल पे चले जाना है, अगेन आप लोगों को डबल एक्सपोजर पे चले जाना, आप लोगों को जो है एक टेक्स्ट पीएनजी दे दूंगा। ओके तो सिंपल उस टेक्स्ट पीएनजी को मैं ऐसे ले लेता हूँ। कहाँ गया थोड़ा सा वेट कर लो मेरी जान। तो मेरी जान ये वाला आप लोग को ले लेना एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्टमेंट कर लेना है। देन आफ्टर मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को नीचे दिख रहा होगा एक आइकॉन, तो उस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड पर मैं क्लिक कर दूँ। देन आफ्टर आप लोग जो है राइट वाले आइकॉन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अगेन मेरी जान यहाँ पर आप लोग को टूल वाले आइकॉन पर आप लोग को चले जाना होगा एंड ऐसा मेरे फेस को वाइट करने के लिए सिंपली मैं सिलेक्टिव पर चले जाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक सा है सिंपली वहाँ पर आप लोग को ब्लैक सा व्हाइट अप्लाई कर लेना। ओके इतना सा काम करने के बाद अपने
अगेन आप लोग सेलेक्ट ऊपर चले जाना एंड हमारे हेयर्स को जो है हल्का सा मैं ब्लैक कर लेता हूँ ओके, ताकि क्रिएटिव लुक लगे। इतना सा काम करने के बाद आप लोग को अगेन टूल पर चले जाना होगा एंड फेस वाइट करने का न्यू ट्रिक है मेरी जान ओके, ब्रश पर चले जाना होगा एंड साइड में आप लोग को जो दिख रहा है सिंपल उसे आप लोग को ले लेना होगा एंड अपने फेस को ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोग को चला देना है। आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कितना ज़्यादा आसान तरीके से हमारा फेस जो है वाइट हो रहा है ओके। सो इतना सा काम आप लोग को क्या करना है, करते रहना है ओके। सो मैं ऐसा क्या करता हूँ आप लोग के आँख के सामने मैं अपने फेस को भी जो है वाइट करके इजी स्टेप में सिखा रहा हूँ ओके मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग को 100 एप्लीकेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है ओके मेरे प्यारे दोस्तों। सो इतना इजीली ट्रिक के साथ आज तक मैं आप लोग को सिखाते आ रहा हूँ। सो प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का आप लोग तक पहुँच जाए ओके। तो देख सकते हो आप लोग मैं कितना इजी स्टेप के अंदर एंड कितने कम समय में जो मैं अपने फेस को जो है वाइट कर लिया हूँ ओके मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात रही हमारे फेस स्मूथ की ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा फेस स्मूथ तो आप लोग को सिंपली टूल पर चले जाना होगा एंड यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पोर्ट्रेट, तो सिंपल मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पर इतने सारे आइकॉन आप लोग के सामने ओपन हो जाएंगे ओके मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को मैं सारा चीज़ जो है जीरो करके दिखा दे रहा हूँ। सो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कॉम्बो वन ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कॉम्बो वन पर सेलेक्ट कर लेना है एंड फेस स्पॉटलाइट को आप लोग को अराउंड 80 के आसपास रख लेना है एंड स्किन स्मूथनिंग को आप लोग को 100 रख देना है एंड आई क्लैरिटी को हल्का सा आप लोग को जो है इंक्रीज़ कर देना है ओके मेरे प्यारे दोस्तों। इतना सा काम करने के बाद अगेन आप लोग को सिलेक्टिव पर चले जाना होगा एंड अगेन क्या करना है आप लोग को हल्का सा सेचुरेशन इंक्रीज़ करना है, स्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना है एंड ब्राइटनेस को जो है हल्का सा लो कर देना है ओके। देन आफ्टर देखना मेरी जान आप लोग को जिस टाइप से मैंने आप लोग को थंबनेल में फोटो एडिटिंग करके दिखाया था सेम उसी प्रकार से आप लोग को जो है मैं स्नैपसीड केवल एप्लीकेशन की मदद से ही आप लोग को मैं 2024 न्यू CV फोटो एडिटिंग ट्रिक के साथ आप लोग को मैं फोटो एडिटिंग सिखा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट और किसी वीडियो के अंदर, जब तक सलाम नमस्ते हर हर महादेव।